हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल होम रसोई क्लाउड किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे और डीएम भी आ रहा था कि पिज्जा बेस को किस तरीके से बेक करना है, क्या सेटिंग है, ऊपर नीचे दोनों रॉड को करना है, क्या करना है, मतलब कंफ्यूज थे लोग कि कैसे कैसे क्या करना है। तो उसी के लिए मैंने आज एक ये पूरी वीडियो बनाई है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पिज्जा को बेक करना है, क्या सेटिंग रहेगी, कितने देर के लिए बेक करना है, सब कुछ। लोगों को पता है कि मैं ट्रिप पे गया था यार, वहां पे मतलब कि क्या बोलूं मैं, इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी और उस ठंड को लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोई ठंड है क्या, इस बार तो ठंडी नहीं हुई। और दिल्ली में अगर वो ठंड आ जाए तो भाई यहाँ के लोग तो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कंबल से निकले ही ना अपनी रजाई के अंदर से वो। अब ट्रिप से मैं वापस आया हूँ तो ये जो मेरी केटल थी ये भी खराब हो गई यार। इसको मैंने ट्राई किया कितनी बार चलाने का, इसकी लाइटिंग जल रही है, पता नहीं अब ये क्यों मुझसे नाराज हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको भी दिखाएंगे हम, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इसको, इसके डॉक्टर के पास। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो काफी सारे लोगों के पास अलग अलग ओवन है, मेरे पास ये ओटीजी का ये मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट का ओवन है जो कि मैंने बताया, और काफी लोग ये वाला ओवन परचेज किया है और काफी अच्छा भी उन्हें लगा है ये, बट उनको सेटिंग नहीं समझ आ रही है कि किस तरीके से क्या सेटिंग रहेगी इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको पास से दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीजों की सेटिंग होती है, क्या क्या चीजें होते हैं, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो पास से ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, इस चीज को इग्नोर कर देना भाई, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कमेंट कर करके मेरे को बिल्कुल मार ही डालोगे कि ये क्या है, ये क्या है करके। ये मैंने अभी भी पिज्जा बेक किया था तो सोचा कि आपको उसी टाइम बता दूं, क्योंकि यार दोनों वीडियो एक साथ तो नहीं बन सकती है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो इसलिए मैंने अब शॉर्ट के लिए, शॉर्ट का तो मैंने अलग वीडियो बना दिया है, लॉन्ग के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने ये शूट कर रहा हूँ। कहीं आप फिर इस पे कमेंट करके बोलो कितना गंदा रखते हो, ये रखते हो, वो रखते हो, तो ये अभी ही मैंने बनाया है, तो इसलिए आप प्लीज़ इस पर ध्यान मत दो। तो देखो सेटिंग की बात की जाए तो ये जो होता है ये डिग्री है, 250 डिग्री पे आपको इसको रखना है, ठीक है, 250 डिग्री पे। पहले मैं क्या करता था, 200 पे रखता था। तो अगर मैं 200 पे इसको रखता हूँ तो नीचे जो टाइमर होता है उसको मुझे 15 मिनट करना पड़ता है, 15 मिनट तो हो गया बेक का टाइम और 5 मिनट का प्री हीट यानी कि 20 मिनट्स के लिए रखना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम थोड़ा लेता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रोटेट करके इसको पूरा कर दिया 250 पे। और सेकंड होता है यहाँ पे मोड, तो मोड है ये आपका, ये दो रॉड की, एक रॉड की, और सबसे नीचे अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो ये होती है सिंगल रॉड की नीचे वाली। तो इसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि देखिए अगर मैं ऐसे इसको रोटेट कर देता हूँ इस साइड, तो आप देखेंगे ये पास में यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों के साइड में एक रॉड का दिखा रखा है, यानी कि ये वाली रॉड और इसके ऊपर जो रॉड है ये वाली रॉड, ये दोनों इसमें से जलेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा इस साइड, तो यानी कि ऊपर सिर्फ ऊपर वाली हीट आएगी, यहाँ से आएगी, इस वाले रॉड से सिर्फ हीट आएगी, और सबसे नीचे अगर मैं कर देता हूँ तो सिर्फ नीचे वाले से हीट आएगी, यानी कि इससे। बात आ जाता है यहाँ पे टाइमर का कि आपको कितने देर के लिए इसको रखना है, जो भी है। देखो आप ये जो तीन सेटिंग होती है ये तो सबकी एक ही होती है, जो टाइम जो टेम्परेचर होगा वो सबके ओटीजी में सेम रहेगा, ठीक है, यही टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का भी बटन ये होगा, आपके पास मोड का भी बटन होगा, आपके पास टाइमर का भी होगा। तो चाहे कोई भी ओटीजी ओवन हो, ये तीन चीज़ तो रहती ही रहती है उसके अंदर। तो आपको सबसे पहले कर देना है 250 पे, इसको कर देना है दोनों साइड की रॉड पे, और टाइमर लगा देना है आपको 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है ये भी आप समझना है, सबसे ज़रूरी बात। लोग क्या कहते हैं कि जब मैं पिज्ज़ा बेस को अंदर डालता हूँ तो होता क्या है कि उसका जो नीचे से बेस होता है वो बहुत क्रंची हो जाता है या फिर जल जाता है, तो वो क्यों होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ एक बेस के जरिए। इसके ऊपर मैं रख देता हूँ एक बेस, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने रख दिया है बेस, अब मैं इसका ये खोलूंगा यहाँ से और उसके बाद इस बेस को मैं डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने अंदर डाल दिया है। अब एक और चीज़, सबसे मेन चीज, अब मैं क्या करता हूँ जब मैं पिज्ज़ा को इसके अंदर बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ इस वाले स्लाइड पे नहीं डालता हूँ, अगर सिंगल पिज्ज़ा होता है तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर वाले पे डालता हूँ। ऊपर वाले पे इसलिए डालता हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसकी रॉड है और जो बेस है इसका जो गैप बहुत कम है, तो जितना कम गैप पे आप रखेंगे अपने पिज्ज़ा को तो आपको हीट होने में बहुत मतलब आसानी होगी कि जल्दी वो बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे ये प्लेट रखनी है, ये बिल्कुल रखना है। अब मुझे नहीं पता बाकी लोग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसी वजह से आपको दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप बेस नीचे ये ऊपर रखोगे तो ये प्लेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हीट डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए नीचे से। अगर डायरेक्ट हीट आती है इसके ऊपर तो होता क्या, ये जो बेस होता है उसी टाइम जल जाएगा या फिर हार्ड हो जाएगा, इसीलिए होता है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको ये रखना है, ये दो चीज़ों में काम आता है,
पहला तो ये भी है कि जो गंदगी ऊपर से, मतलब जो गिरता है तो इसके ऊपर गिरेगा, देख रहे होगे आप इसी के ऊपर गिरा हुआ है सब, अगर नीचे डायरेक्ट गिर जाएगा तो सारा आपका गंदा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेम्परेचर को करना है 250 पे, एंड देन आपको करना है ये दोनों पे, बोथ रॉड्स पे करना है आपको, ऊपर और नीचे रॉड पे, और जो घुमा के कर देना है टाइमर आपको 10 मिनट के लिए, ठीक है 10 मिनट तक आप उसको अच्छे से बेक करना है। 5 मिनट पहले आप इसको प्री हीट पे खोल देंगे, यानी कि आप यहाँ पे कर देंगे 15 मिनट के लिए, जैसे ही 10 पे आएगा उसके बाद आप इसको डाल देंगे, या फिर चेक कर लेना आप कि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे गर्म हो चुका है तो आप उसको डाल देंगे। पिज्जा को हमेशा ऊपर रखो, आप ऐसे करके ऊपर रखो ताकि इसको जो हीट है वो बिल्कुल पास में रहे। उसके बाद एक और चीज, सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ लेना है, इसको कलछी चम्मच जो भी आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये लेना है और आपको क्या करना है इसके अंदर ऐसे डालना है, ऐसे करके आपने डाला ऐसे करके, और इसको रोटेट करते रहना है ऐसे ऐसे करके, ऐसे रोटेट करना है आपको, इसको रोटेट करना है ऐसे, क्योंकि होता क्या है कि आप देख रहे होंगे इसकी जो रॉड होती है, इसकी रॉड इसके नीचे आएगी, ये वाली इसके नीचे, और अंदर वाली जाएगी उसके नीचे, तो होता क्या है बीच का जो पार्ट होता है ना, वो ये वाला साइड साइड का जो पार्ट होता है कभी कभी जल जाता है, तो इसलिए आपको उसको रोटेट करते रहना है थोड़े थोड़े मिनटों में, ताकि आपको जो पिज़्ज़ा है वो और अच्छे से क्रंची ऊपर साइड से पूरा बेक अच्छे से हो जाए, और नीचे साइड का आपका कभी भी जलेगा नहीं अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो, क्योंकि ये अगर लगाओगे नहीं तब तो आपको बिल्कुल हीट जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट आएगी, तो वो तो जलेगा जलेगा, अगर आप ऐसे करके बनाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो ये पिज़्ज़ा है अच्छे से बेक हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से बेक करना है, किस तरीके से क्या करना है। ये तीन जो इसकी जो ऑप्शन है ना, ये तीन ऑप्शन ये सारे ही ओटीजी में सेम होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार कौन कौन सी सेटिंग करनी है, ये तीन सेटिंग तो यार सब में ही सेम होता है, ऐसे कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह होती तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और वैसे भी मैं रिप्लाई करता ही हूँ हर किसी के कमेंट पे। और एक और चीज़ है कि मार्केट के और घर के बेस में किस तरीके से दोनों को बेक करना है, अगर आप खुद से बना रहे हैं बेस को पूरा बना रहे हैं, ठीक है आपने उसका आटा वगैरह वो पूरा गूंथ के और इसके अंदर डाल दिया, अब इसके अंदर डाल दिया तो आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको बेक करना है और फटाफट से निकाल देना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, 2 मिनट के लिए आपको अंदर डालना है ताकि उसका जो बेस है हल्का सा हार्ड जाए और आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, अगर आपको वैसा है कि हाँ जब ऑर्डर आए तभी बनाना है तब वो भी बना सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रिज में रखने के लिए क्योंकि होता क्या, आपको सभी को बताएगा जो क्लाउड इंजन रन करता है कि उसके बाद टाइम बहुत कम होता है, सिर्फ 20 मिनट का होता है, तो अगर हमारे पास ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर आते हैं तो हर किसी में तो हम बेस नहीं बनाने लग जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा हमारा कंज्यूम होता है। तो यही चीजें हैं दो, जो अगर आप खुद से बेस बना रहे हैं तो 2 मिनट के लिए इसके अंदर रखना है और निकाल के उसको फ्रिज में रख दो आप, और मार्केट से अगर आप डायरेक्टली पूरा ही पिज्जा बना रहे हो तो आपको 10 मिनट का और 5 मिनट का प्रीहीट देना है और 250 जो आपको डिग्री है उसके ऊपर रखना है। और कुछ भी अगर आपको पूछना होगा, अभी भी नहीं समझ आया, जो भी इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो आप वो भी वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और किसी को भी कोई भी इशू नहीं आएगा पिज्जा बेस को लेकर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।